बाहर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं मिस्टर टॉक मोबाइल का ब्यूटी पार्लर एंड गैजेट बार। एड्रेस रजवन का पुल नियर हनुमान चौक मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं firstbite.tv। सुप्रीम कोर्ट ने आज 500 साल पुराने विवाद का पटाक्षेप कर दिया। यह पटाक्षेप आस्था, विश्वास, मान्यता जैसी दलीलों को न मानकर तथ्य, सबूतों में पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट को आधार पाते हुए किया गया। इससे निर्मोही अखाड़ा व शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड भी बाहर हो गया और केंद्र सरकार पर मंदिर निर्माण का सारा दारमदार आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वह 3 माह में ट्रस्ट बनाकर मंदिर निर्माण के लिए नियम निर्धारित करें। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में ही मस्जिद की तामीर के लिए 5 एकड़ भूमि की वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए भी निर्देशित किया है। कुल मिलाकर भाजपा नीत केंद्र सरकार के पाले में भव्य राम मंदिर निर्माण की गेंद आ गई है। न तुम जीते न हम हारे सरीखे इस निर्णय के परिपेक्ष में आपने कभी यह नारा जरूर सुना होगा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और अब इसमें एक और वाक्य जुड़ जाएगा, तारीख भी हम बताएंगे। जैसा कि सरकार की सभी शीर्ष संस्थाओं ने फैसले से पहले ही माहौल बनाना शुरू कर दिया था, उसके अनुरूप ही सब कुछ शांतिपूर्वक निमट भी गया। अलबत्ता मेरठ में शराब गेट पर पटाखे जलाते 3 लोगों को जरूर गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस ने भी स्पष्ट कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद वह भी श्री राम मंदिर के निर्माण के पक्षधर है। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इस फैसले में विवादित जमीन राम जन्मभूमि न्यास को देने का फैसला किया है, यानी विवादित जमीन राम मंदिर के लिए दे दी गई है, जबकि मुस्लिम पक्ष को अलग स्थान पर जगह देने के लिए कहा गया है। यानी कोर्ट ने अयोध्या में ही मस्जिद बनाने के लिए अलग जगह जमीन देने का आदेश दिया है। राम मंदिर निर्माण के लिए कोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 महीने के अंदर ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने यह फैसला सर्वसम्मानित। इस बीच मुस्लिम पक्ष के वकील जफर याब जिलानी ने बेहद सदियों टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि वह कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन फैसले में कई विरोधाभास हैं, लिहाजा हम फैसले के संतुष्ट नहीं हैं। हम फैसले का मूल्यांकन करेंगे और आगे की कार्रवाई पर फैसला लेंगे। उधर ऑल इंडिया मजलिस से एतहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरह फैसले से सहमत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से भी चूक हो सकती है। जिन्होंने बाबरी मस्जिद को गिराया उन्हें ही ट्रस्ट बनाकर राम मंदिर बनाने का काम दे दिया गया है। हमें 5 एकड़ जमीन की खैरात की जरूरत नहीं है। दरअसल कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि विवादित जमीन पर मुस्लिम अपना एकाधिकार सिद्ध नहीं कर पाए हैं, लिहाजा विवादित जमीन पर राम जन्मभूमि न्यास का हक है। केंद्र अथवा राज्य सरकार मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन अयोध्या में ही उपलब्ध कराए। कोर्ट ने यह भी माना है कि मंदिर तोड़कर वहां मस्जिद बनाने की पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन विवादित भूमि के नीचे एक ढांचा था और यह इस्लामिक ढांचा नहीं था। कोर्ट ने कहा कि पुरातत्व विभाग की खोज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कांग्रेस ने भी स्पष्ट कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद वह भी श्री राम मंदिर के निर्माण के पक्षधर है। दिलचस्प तथ्य यह भी है, सुप्रीम कोर्ट के संभावित फैसले के मद्देनजर राजनीतिक दलों ने अपने आग उगलने वाले फायर ब्रांड नेताओं पर कड़ी लगाम कस रखी थी। बात बात पर हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान पर तीखी टिप्पणी करने वाले तमाम नेताओं ने जब संपर्क किया गया तो सभी ने अपनी जबान से ली। सभी का कहना था कि उन्हें ऊपर से कुछ भी न बोलने की हिदायत दी गई है। माइक आईडी देखते ही उसे लपकने की होड़ वाले ये नेता आज प्रेस से दूरी बनाए रहे। अगर कोई बाइट के लिए तैयार भी हुआ तो उनकी टिप्पणी बेहद संयमित रही। आइए देखते हैं क्या कहा है उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद अध्यक्ष सुनील भराला, सांसद राजेंद्र अग्रवाल, पूर्व विधायक अमित अग्रवाल और शहर काजी जनूर साजुद्दीन आदि ने। आज मेरठ में सर्किट हाउस में जो हमारी साप्ताहिक और 15 दिन में होती है जनसुनवाई, उस जनसुनवाई के तहत यहाँ बैठे हुए हैं और जहाँ आज भगवान श्री राम जन्मभूमि का माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय किया है उन्होंने, उसमें सारे राजनीतिक दल और विपक्ष सब ने उसका स्वागत कर रहे हैं और मैं भी स्वागत करता हूँ। सब शांति रखें और सब जो है सहयोग करें। बहुत अच्छा फैसला आया, उसकी प्रशंसा चारों तरफ होनी चाहिए। आज सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ ने बहुप्रतीक्षित फैसला दिया है राम जन्मभूमि के संबंध में,
और मैं समझता हूँ कि इस फैसले का सबको स्वागत करना चाहिए। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, हमेशा हमको मर्यादा की सीख उन्होंने दी है, उनके व्यक्तित्व से मिली है, तो हम भी फैसले की मर्यादा का, सर्वोच्च न्यायालय की मर्यादा का सब लोग पालन करें और जो सौहार्द की हमारी परंपरा इस देश की उसको स्थापित रखें। मैं इतना ही निवेदन करता हूँ और जो भी फैसला आया है ये सबको मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे देश के अंदर ये एक अच्छे सौहार्द के वातावरण का भी निर्माण करेगा, परस्पर प्रेम का निर्माण करेगा। हिंदुस्तान की आस्था के इतिहास का आज महत्वपूर्ण दिन है। एक ओर सिखों के धर्मगुरु के स्थान के लिए करतारपुर साहिब कॉरिडोर का उद्घाटन होना, दूसरी ओर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करना, और तीसरा इस विवाद का हमेशा के लिए अंत करने के क्रम में मुस्लिम समाज को अयोध्या में ही मस्जिद निर्माण करने के लिए भूमि देने का निर्देश दिया है और भारत सरकार को ये भी निर्देश दिया है कि आप ट्रस्ट बनाएंगे मंदिर निर्माण के लिए। मैं समझता हूँ कि फैसला सभी को स्वीकार्य है और भारत सरकार के ऊपर बहुत जिम्मेदारी आई है, सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेगी। निश्चित तौर पर पहले भी ये बात कही जाती रही है कि अयोध्या में ही हमको स्थान दिया जाए मस्जिद बनाने का, तो हम मस्जिद बना लेंगे। मैं समझता हूँ कि इससे दोनों पक्ष संतुष्ट होंगे और सर्वोच्च न्यायालय ने कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय को जो बहुत दिन से एक विवाद का कारण था, कभी कभी सियासत भी उस पर होती थी, उस विषय का पटाक्षेप आज कर दिया। प्रतिक्रिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ किया है बड़ा सोच समझ के किया होगा और उसके सामने तो सभी बातें हैं और ऐतिहासिक फैसला आपने कहा तो इतिहास से संबंधित है। इस देश के जो पुरखे थे, पूर्वज जिनको हम सब मानते हैं, वो श्री राम थे। हम लोग उसको भगवान के रूप में कहते हैं, मुस्लिम लोग भाई भी उसको जो है वो इमाम हिंद मानते हैं। मैं इंडोनेशिया गया, थाईलैंड गया, वहाँ भी भगवान नाम की पूजा होती है और वहाँ सब आबादी मुस्लिम है, वो लोग भगवान नाम की हनुमान की पूजा करते हैं। तो राम सबके पूर्वज थे, तो घर के बड़े बूढ़े को उसका स्थान दिया गया है। मैं जनता से यही अपील करूँगा कि ना कोई इसमें हर्ष की बात है, ना कोई इसमें नाराज होने की बात है। ये सुप्रीम कोर्ट के आगे कोई और अदालत नहीं है, तो अपने मन में जो भी बात उनकी हो, जैसे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने कहा है कि हमें इससे खुशी नहीं हुई, मतलब हम संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन अब इसके आगे जाएंगे भी कहाँ। तो लॉ ऑफ लैंड जिसको कहते हैं, जिस देश में रहते हैं उस देश के कानून मानना होता है, चाहे कोई पक्ष हो। वो आदमी अंतिम सीढ़ी तक तो जाता ही है, मुकदमा लड़ता ही है, तो उन्होंने लड़ा, उनका अधिकार था लड़ने का, वो अधिकार को उन्होंने पूरा प्रयोग किया। अब अंतिम फैसला हो गया है तो उस फैसले को सबको मानना चाहिए, हर्ष और रंज की कोई बात नहीं है। सब लोग अपनी परंपराओं का निर्वाह करते हुए, अपने धार्मिक अनुष्ठानों को करते हुए, पूजा को और इबादत को, इस देश को आगे बढ़ाएंगे। बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया है ये हमारी अदालत आलिया यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसलिए हम इस फैसले का एहतराम करते हैं और आवाम से इस बात की अपील करते हैं कि जिन लोगों के हक में आया है वो किसी किस्म का खुशी का मुजाहरा ना करें और जिनका खिलाफ आया है वो किसी किस्म का रद्द अमल न दिखाएं। सबसे अहम बात यह है कि इसमें ये बताया गया है, ये बात मानी गई है कि मस्जिद जब बनाई गई थी वहाँ कोई मंदिर नहीं था, मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई है। तो एक ये इल्ज़ाम जो मुसलमानों पर था कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। मैं बहरहाल इस सूरत हाल के बावजूद भी मुल्क में अमन कायम करने को बड़ी अहमियत देता हूँ।
मेरे ख्याल में हमारे यहाँ अमन सलामती रहे और जो जंग है वो आइनी जंग है, वो जो वो कानूनी है उसके लिए जो भी आइंदा होगा, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा हिंद जो फैसला करेगी हम उसके साथ रहेंगे। संभावित फैसले को देखते हुए लोगों ने घर पर राशन भरना शुरू कर दिया था। सड़कों पर भी रोज की तरह की आज आवाजाही नहीं थी। प्रमुख चौराहे स्वतः संचालित थे, ट्रैफिक पुलिस नहीं थी क्योंकि वह आज कानून व्यवस्था संभालने में लग रहे थे। आईजी आलोक सिंह ने हापुड़ में भारी फोर्स के साथ मार्च किया। वहीं एडीजी प्रशांत कुमार, एसएसपी अजय साहनी व डीएम अनिल ढींगरा बराबर मेरठ पर उसके जिले पर नजर बनाए हुए थे। बनी रहेगी हमारी नजर, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।